लौकी का नाम सुनते ही भाग जाने वाले बच्चे हो या बड़े, लौकी की इस रेसिपी को मांग मांग के खाएंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लौकी की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी खाना तो दूर की बात है, आपने पहले कभी देखी भी नहीं होगी। वैसे आपने लौकी की बहुत सारी रेसिपी ट्राई की होगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से लौकी बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और जब भी बनाएंगे यही तरीका अपनाएंगे। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे मैंने लिया है लौकी, कई जगह पे इसको दूधी भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। वेट नहीं है हमारी आधा किलो है। अब हम सबसे पहले इस तरीके से इसको बीच से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि काफी ज्यादा ये है। फिर इसके बाद हम ये वाला पार्ट निकाल लेंगे और लौकी का ये वाला पार्ट अलग कर लेंगे और अब हम लौकी को छीलेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो होता है इससे बहुत ही आसानी से लौकी छिल जाती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको परचेज कर लेना, ऑफलाइन लेना, ये 20 रुपए का मिल जाता है। तो चलिए फटाफट लौकी को छील लेते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। तो आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। तो अगर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा लंबी है तो आप लौकी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो लौकी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं खाना चाहते। लेकिन इस तरीके से लौकी बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े भी मांग लौकी खाएंगे। चलिए इसको भी छील लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लौकी को छीलने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे हम लौकी को कैसे कट करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम पहले इसको बीच से डिवाइड कर लेंगे और अब इसको हम इस तरीके से लंबा सा कट लगा लेंगे और इस तरीके से हल्का सा मोटा मोटा कट करेंगे, बहुत ज्यादा बारीक नहीं कट करना है। ये देखिए, तो आलू के इस तरीके से आप पीस करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देखिए, और ये जो हमारी दूसरा पीस है लौकी वाला इसको हम अलग शेप में कट करेंगे। तो पहले हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी रेसिपी नहीं देखना चाहते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए बनाऊंगी डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लौकी को कट कर लिया है। अब ये वाली लौकी हम कैसे कट करेंगे ये देख लीजिए। तो इसको हम इस तरीके से स्लाइस में कट करेंगे और स्लाइस को हम बहुत ज्यादा पतला नहीं रखेंगे, बहुत ज्यादा मोटा नहीं। ये देखिए इस तरीके से रखेंगे। और लौकी खरीदते समय ख्याल ही रखना, ये गलत कट गई इसको हम साइड में रख देंगे। लौकी खरीदते समय आप लोग ख्याल रखना कि लौकी को मुलायम वाली खरीदना, ज्यादा पुरानी लौकी मत खरीदना और ज्यादा बीज वाली मत खरीदना। जिसके छोटे छोटे से बीज होते हैं मुलायम मुलायम से उसको खरीदोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जिसके बीज बड़े बड़े होते हैं वो बनने में अच्छी नहीं लगती और जब पक जाती तो उसके बीज मुंह में आते हैं और खाने का मजा किरकिरा कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो चलिए इसको वॉश करके लेके आते हैं, फिर हम आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से वॉश कर लिया, अब इसको हम साइड में रख देंगे, ये वाली लौकी के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे, सबसे छोटा वाला इस्तेमाल करना है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू दोनों आएगी। अब इसमें हम 3 ग्रीन चिली डालेंगे। अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 2 डालना। और फिर इसके बाद हमने 1 इंच का अदरक लिया जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया, ये डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 5 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा धनिया जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। धनिया में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है तो डंठल को साथ ही डालना है। और अब इसमें हम डाल देंगे अपनी लौकी। और लौकी डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच दूध, जिससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। अगर आपके पास दूध ना हो तो आप इसकी जगह पे पानी भी डाल सकते हैं। आप इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पिस जाता है क्योंकि हमने इसके अंदर जो दूध डाला था उससे बहुत ही अच्छे से पिस जाता है। और लौकी में भी खुद का पानी होता है। और सारा का सारा हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने के साथ साथ टेस्ट भी आएगा। और ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो जरूर डालना। फिर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 से 2 चुटकी बस काफी है। और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो नमक आप जितना खाते हो उतना डालना। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ, तो सौंफ जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आता है। तो ये गई हमारी 1/4 चम्मच सौंफ। और अब इसके बाद हम डालेंगे हींग, हींग की जो खुशबू होती है वो भी अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है और नाश्ते को पचाने में आपकी मदद करता है। और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे
और अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जाएगी, वो कैसे जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस तरीके से एक छन्नी ले लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन, मोटा महीन जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बेसन को आपको छान के लेना है, बिना छाने बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप क्या ले सकते हैं, ये सवाल आपके दिल में आ रहा होगा। तो बेसन ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी को बारीक करके ले सकते हैं, या फिर आप चने की दाल को पीस कर भी ले सकते हैं, जो रोस्टेड दाल आती है उसको भी ले सकते हैं। तो वेट नहीं, ये हमारा जो बेसन था ये 150 ग्राम था और नाप में 1 कप है, आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े ढोके हैं, यानी ये जो बड़े बड़े गुठलियाँ हैं, इसे हमें नहीं इसके अंदर इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम इसको छान के ले रहे हैं। तो इस रेसिपी में आपको पानी भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमें बेसन को बिल्कुल अच्छे से छान लेना है। अगर आपके पास छन्ना ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सूती कपड़ा ले सकते हैं या मलमल का कपड़ा ले सकते हैं और इस तरीके से बेसन को छान सकते हैं। तो ये जो मोटी मोटी है इसको हम साइड में रख देंगे और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से हो जाता है रेडी, क्योंकि लौकी में जितना पानी होता है उसी से ये बैटर बन जाता है। अब ये बिल्कुल अच्छे से बन गया है। तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आपको बताएंगे। तो पहले हम इसको 10 से 15 सेकंड इस तरीके से फेंट लेंगे। फेंटते समय आपको ख्याल ही रखना है कि इसका जो डायरेक्शन है वो एक ही रखना है, एक बार इस तरीके से एक बार इस तरीके से नहीं फेंटना है। जिस तरीके से आप हाथ को घुमा रहे हैं उसी तरीके से आप कंटिन्यू 10 सेकंड तक घुमाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सा फ्लफी बैटर बन जाएगा और ये सॉफ्ट होता जाएगा, यानी फूलता जाएगा, हल्का होता जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम ना हो आप जल्दबाजी में, तो आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट हो गया। अब इसको हम 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि बेसन और सारे फ्लेवर बिस्कुट के अंदर समा जाए, फिर हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे। तब तक हम इसके साथ काम करेंगे जो हमने स्लाइस वाली बना के रखी है। अब इसमें हम सारी चीज़ें डालेंगे, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर बिल्कुल नाम का और थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, आप चाहें तो पिसा वाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला जो इस रेसिपी को चटपटा सा फ्लेवर देगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे क्या, थोड़ा सा ऑयल, आप घी बटर भी डाल सकते हैं, बस बस इतना काफ़ी है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, वो है 2 चुटकी बेसन, मोटा महीन जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और छना हुआ बेसन ही लीजिएगा बस। और अब इसके बाद हम इसको सारी चीज़ों को इस तरीके से लगा लेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे करके। तो मसाले इस रेसिपी में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनेगी और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। ये देखिए इस तरीके से आप लगा लीजिए इसको, चाहे तो बड़े बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसको पकड़िए और थोड़ा सा मसाला इसके ऊपर स्क्रब कर दीजिए, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर समा जाए। बहुत ही मैक्सिमम मसाले के साथ इस रेसिपी को हम बना रहे हैं, आप चाहे तो इसमें और स्पाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, यहाँ पे अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैटर अच्छे से फूल गया, आप चलते हैं गैस की तरफ, फटाफट रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गया गैस की तरफ, यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है, जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए ऑयल को गर्म कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, जब ये बबल है ये खत्म हो जाए तब तक आपको अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया, आप चाहे तो घी और बटर भी ले सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे जीरा 1/2 टीस्पून, 1 चुटकी हींग डालेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ 1/2 टीस्पून तक। सारी चीज़ों को हमें जलाना नहीं है। फिर इसके बाद हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ले लिया है जिसको मैंने इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है, और आपको भी प्याज को फाइन चॉप करके लेना है और प्याज को हमें अच्छा सा कलर आने तक पकाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं लिया है, सिर्फ 1 चम्मच लिया है। तो अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा ऑयल मत डालना, इतना ऑयल डालना कि ये प्याज हमारी अच्छे से भून जाए। अगर आप बहुत कम ऑयल डालते हैं तो प्याज को भूनने में आपको दिक्कत होगी। तो प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है।
तो यहाँ पे हम कंटिन्यू चलाते हुए प्याज को हल्का सा बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। प्याज जब आप अच्छे से पकाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है और रेसिपी का लुक भी निखर जाता है। तो यहाँ पे जो कढ़ाई लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, तो ये कढ़ाई मेरी भारी है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ, अदरवाइज मेरे पास हल्की कढ़ाई थी उसका मैं यूज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो हल्की है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी बिल्कुल लाइट सी पिंक कलर की गोल्डन हो गई है। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी हाफ टी स्पून तक, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होम मेड है, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर 1 से 2 चुटकी। और अब इसके बाद हम इसको वापस से भून लेंगे। मसालों को हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है इसलिए हमें गैस का फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पे अच्छे से मसालों को भूनना है। तो यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। तो ये गया हमारा 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर भी आएगा और ये बहुत ही कम तीखी होती है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जिससे तीखा सा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप किसी वाली भी ले सकते हैं। अब मसालों को हम थोड़ा सा भूनने के बाद इस तरीके से पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले बिल्कुल भी जले ना। और इस तरीके से पानी डाल के अब हम मसालों को अच्छे से भूनने तक पकाएंगे जब तक कि हमारे मसालों से अपना ऑयल छूट नहीं जाता है और बिल्कुल अच्छे से ये ऑयल छोड़ते हैं, तब तक हमें इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए, ये देखिए ऑयल छोड़ना बिल्कुल शुरू कर दिया है। और इस तरीके से जब हमारे मसाले भुन जाते हैं तो ऑयल छोड़ने लगते हैं। और यहाँ पे आप इसको गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। जितने अच्छे से आपके मसाले भुने होंगे उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं और इस तरीके से ड्राई होने लगे हैं। और यहाँ पे आपको बस ख्याल ये रखना है कि इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से पकाना है, छोड़ने की गलती मत करना नहीं तो मसाला बहुत ही जल्दी जल जाता है और मसाला एक बार जल गया तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 बड़ा कप पानी ऐड किया है। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप और 1/2 कप इस्तेमाल किया है, अगर आपकी बहुत बड़ी गिलास है तो आपको 1 गिलास लग जाएगी। और अब इसको हम 1 उबाल आने का वेट करेंगे, तो जब तक ये उबाल होगा तब तक हम दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी चीजें इसके अंदर समा गई और बेसन भी हमारा अच्छे से फूल गया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और लुक दोनों आएगा। हरा धनिया को डाल के इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा कट कर दिया है, आप चाहें तो इसको बारीक भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से एक थाली ले लेंगे छोटी वाली और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप घी बटर भी डाल सकते हैं। और इसको इस तरीके से हम फैला लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं हाथों से ये फैला रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन हाथों से फैलाएंगे तो अच्छे से फैला पाएंगे। आपने तैयार बैटर को इस तरीके से इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे सारा का सारा। बस ख्याल ये रखना है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं फैलाना है, हमें इसकी हल्की सी थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं रखनी है। और इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे, तो जब आप ऑयल लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा। ये देखिए बिल्कुल बराबर से फैला लेना है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर से आपको फैलाना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब इसको हल्का सा इस तरीके से पटक देना है जिससे क्या होगा कहीं अगर नहीं पहुंचा होगा तो आराम से पहुंच जाएगा। और अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से बॉईल आ गया है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस तरीके से छन्नी इसके अंदर रख देंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से इसको रख देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको हमें कम से कम 5 मिनट तक पकाना है, जब तक कि हमारा पक नहीं जाता। चलिए 5 मिनट पका लेते हैं। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप इस तरीके से स्टैंड भी लगा सकते हैं। मेरे पास स्टैंड था भी नहीं और मेरे वहाँ इतनी बारिश हो रही कि मुझे मिल भी नहीं रहा था, मुझे ये रेसिपी बनानी थी तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो हम इंडियन हैं, हम लोग जुगाड़ कर ही लेते हैं, आप भी इस तरीके से मेरी तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड जब तक वो पक रहा है हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली, अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे, जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सरसों का लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, 1/2 टीस्पून तक जीरा डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
दोनों को चटका लेंगे 10 से 15 सेकंड, काढ़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर अपने इस तरीके से जो पीस हमने रखा था वो डाल देंगे और हमें इसको कवर नहीं करना है। और अब इसमें अच्छा सा टेस्ट आने के लिए इसमें डालेंगे नींबू का रस, जिसको हम इस तरीके से डालेंगे ताकि भीग ना जाए। और यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। और लौकी बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है तो इसको कवर करने की जल्दी मत करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, फिर लुक हमारा अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आप बच्चों के लिए फटाफट रसोई सब्जी बनाने के लिए सोच रहे हो तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। ये बनने में बहुत ही आसान है और इसको आप पराठे के साथ या फिर रोटी के साथ दे सकते हैं बच्चों को, टिफिन बॉक्स में, लंच बॉक्स में, पति को भी दे सकते हैं। तो आप इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देगी, वो क्या है आइए आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड वो है एक चम्मच ग्रेटेड नारियल, जिसको नारियल का बराटा ही बोलते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप क्रश नारियल भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ग्रेटेड नारियल डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और अब इसको हम धीमे धीमे आंच पर 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट में ये अच्छे से गल जाएंगी, कवर करने की गलती नहीं करनी है। बहुत ही सूखी सब्जी बनती है और खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है बनाने में उसी ज़्यादा आसान है। और आप इसकी प्रिपरेशन रात में करके यानी मसाले वगैरह डाल के फ्रिज में लगा सकते हैं और सुबह फटाफट बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसको 2 मिनट के लिए पका लेते हैं धीमी धीमी आंच पर, फिर चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, चलिए खोल के देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए बेसन हमारा और जो लौकी थी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे और देखिए बिल्कुल क्रीम निकल रहा है, बिल्कुल भी इसके अंदर लग नहीं रहा है। आप चाहे तो इसकी जगह पे कोई सीख डाल के भी निकाल सकते हैं। अब इसको हम फटाफट निकाल लेते हैं और हल्का सा ठंडा होने के बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको मैंने ठंडा कर लिया, इतना ठंडा कर लिया कि आप उसको आराम से छू सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। तो आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अगर आपने ऑयल लगाया होगा तो इसको निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से ये निकल जाएंगे और काफ़ी ज़रा सॉफ्ट बनते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने ज़रा सॉफ्ट बने हैं और कितने ज़्यादा स्पंजी हैं, ये देखिए। चलिए मैं आपको दूसरा भी निकाल कर दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमारा बन जाता है, ये देखिए कितना ज़रा सॉफ्ट होता है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी और एक उबाल आने का वेट करेंगे। जब तक हमारा एक उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारा उबाल आ जाएगा हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और अब इसके बाद अपने तैयार कतली को इसके अंदर ऐड करेंगे। बस ख्याल ये रखना है कि हमें इसको अच्छे से बॉयल आने के बाद ही ऐड करना है। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और बार बार बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तो ये रेसिपी जितनी ज़्यादा खाने में आसान है बनाने में उससे ज़्यादा आसान है। देखिए इस तरीके से मैंने निकाल के इसको ऐड कर दिया है और अब इसके बाद हम इस पर डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो इस तरीके से आप बनाएंगे लौकी की सब्जी तो बच्चे क्या बड़े भी से मांग मांग के खाएंगे। ये देखिए आप इसके सामने पनीर को भी भूल जाएंगे। तो इसको हमें 10 सेकंड हाई फ्लेम पे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से कुक है। तो यहाँ पे हमें कवर नहीं करना है, बस 10 सेकंड हाई फ्लेम पे पकाने के बाद इसको हम 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि सब्जी बहुत ही अच्छे से फ्लेवरफुल बने। तो चलिए 5 मिनट पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकाते हुए, सब्जी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। लौकी देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए मैं इसको सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ, कितनी मज़ेदार है। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है सब्जी को पकते हुए, ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है और कितना खूबसूरत सा कलर आया है और देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो चलिए मैं आपको इसको सर्व करके इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये देखने में जितनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है उससे ज़्यादा सॉफ्ट है खाने में। और आप इसके सामने पनीर को भूल जाएंगे। आप इस तरीके से सब्जी एक बार मेरे कहने में बना कर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा खा के। कोई नहीं जान पाएगा कि आपने लौकी की सब्जी बनाई है इस तरीके से, बच्चे तो समझेंगे कि मम्मी ने आज पनीर बना दिया है, इतना ज़रा सॉफ्ट बनता है, जूसी बनता है अंदर से। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुकी है हमारी ये सब्जी जो सूखी है, देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हुआ है हमारा लौकी, बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए। आप इसे पराठे के साथ, बच्चों को रोटी के साथ दे सकते हैं। और चलिए मैं आपको ये वाली रेसिपी दिखाती हूँ
ये देखिए कितनी मज़ेदार हमारी सब्जी बनी है। मैं आपको करी से दिखाती हूँ। ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से पकी है और कलर कितना प्यारा आया है और पीस हमारे कितने ज़रा सॉफ्ट हैं ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर चम्मच लगा रहे तो बिल्कुल सॉफ्टली टूट रहा है और इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और ग्रेवी की जो थिकनेस है वो मैं आपको दिखा दूँ। ग्रेवी हमारी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज़्यादा पतली है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर नान के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आपके यहाँ मेहमान आए आप इस तरीके से उनको बना के खिला सकते हैं। मेहमान भी आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सब्जी जिसको हमने लौकी से बनाया है और बेसन के साथ और बिना टमाटर के? तो इस समय टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आप इस तरीके से लौकी की सब्जी बना के बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो मज़ेदार से इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। और आपको हमारी लौकी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स से लिखना मत भूलना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।